यू आर अ फेमस फिल्म मेकर, आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई है. मैं आपको अभी एक सिचुएशन देना चाहती हूँ जहां पे कुछ बॉलीवुड मूवीज का नाम मैं लूंगी, अगर वो मूवीज आपको गुजराती में बनाने मिले देन आप उस मूवी में किसको कास्ट करेंगे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पता है ये सब चीजें मुझे बड़ा मजा आता है। आई लव टू डू कास्टिंग एंड मैं अपनी फिल्मों की कास्टिंग खुद ही करता हूँ। एंड मुझे बड़ा फक्र है, आई फील प्राउड कि मैंने अपनी फिल्म की कास्टिंग कभी गलत नहीं करी है। सो लेट्स डू दिस, ये मजा आएगा। यस. सो व्यूअर्स, आप सबको भी ध्यान से सुनना है क्योंकि हमें भी देखना है ना कि ध्वनि किसको किस रोल के लिए फिट मानते हैं. सो जी ध्वनि, हियर कम्स द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी एंड दैट इज पद्मावत. पद्मावत। ओके पद्मावत में आई थिंक पद्मावत में रणवीर सिंह का जो रोल है वो मैं करवाना चाहूंगा अंशुल त्रिवेदी से, बिकॉज ही इज वाओ, सिक्स फुट या 6 फुट 3 इंच एंड यू नो ह्यूज लगता है वो। राइट. एंड शाहिद कपूर वाला रोल मैं करवाना चाहूंगा मल्हार ठाकर से। तो केसरिया पे ये दोनों ही जोड़ी हैं। सो मेरे ख्याल से ये दोनों एंड दीपिका पादुकोण का जो पद्मावत पद्मावती बेसिकली जो रोल है, मेन जो लीड रोल है लड़की का, राइट. आई थिंक उस रोल के लिए आई विल प्रेफर आरोही, बिकॉज अमेजिंग. या इसमें ग्लैमरस लड़की नहीं चाहिए, इसमें गॉर्जियस लड़की चाहिए। सो आई थिंक शी इज वेरी गॉर्जियस एंड राइट. आई थिंक ये परफेक्ट कास्टिंग है, मल्हार आरोही एंड अंशुल त्रिवेदी फॉर एंड शुड पद्मावत। ओके. जी सो हियर कम्स द नेक्स्ट मूवी, थ्री इडियट्स. ओ आमिर खान, शर्मन जोशी एंड आर माधवन। ओके माधवन, यस. या सो शर्मन जोशी, माधवन एंड आमिर खान। आमिर खान के रोल के लिए मैं ओजस रावल, ही सुपर इन दैट। योर वॉइस वॉज ब्रेकिंग, हमें सुनाई नहीं दिया ध्वनि. अभी आ रही आवाज, अभी बेटर? हाँ, यस 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 या सो यस आमिर खान के रोल के लिए ओजस रावल ओके. या एंड शर्मन जोशी के रोल के लिए आई थिंक रौनक कामदार, ओके. राइट। एंड फॉर आर माधवन, एंड फॉर आर माधवन, आर माधवन का रोल कौन कर सकता है? फॉर आर माधवन आई थिंक पार्थ ओझा। ओके. एंड फॉर वायरस, वीर प्रबुद्धे, वो उनके लिए आप किन को कास्ट करोगे? रोल स्मिथ पांड्या कर सकता है, सो आई थिंक स्मिथ पांड्या इज वेरी परफेक्ट फॉर दैट अमेजिंग रोल। अमेजिंग, यस, आई कैन विजुअलाइज दैट एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग फन. इवन हार्दिक सांगानी इज अ वंडरफुल एक्टर, सो आई थिंक हार्दिक सांगानी भी उस फिल्म के लिए परफेक्ट जाएगा। नेक्स्ट मूवीज, डीडीएलजे, दिल जी वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. कैन यू हियर मी? हाँ या कंटिन्यू। नेक्स्ट मूवीज डीडीएलजे. डीडीएलजे ध्वनि, देर इज सम नेटवर्क इश्यू आई गेस. या कैन यू हियर मी? या सो डीडीएलजे शाहरुख खान एंड काजोल। काजोल, या आई थिंक फॉर डीडीएलजे मैं कास्ट करना चाहूंगा गौरव पासवाला एंड ओके. काजोल के रोल के लिए कोई नई हीरोइन ढूंढ के लेकर आते हैं, या फिर जो करंट है उनमें से मोनल गज्जर कैन गो, ओके. सिमरन सिमरन वाला रोल, ईशा हाँ कंसारा भी जा सकती है उस रोल के लिए। एंड ओके. हाँ ये दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। सो अभी मैं लास्ट मूवी का नाम लेने जा रही हूँ एंड द मूवी इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. ऋतिक रोशन, अभय देओल एंड फरहान अख्तर। यस. सो फरहान अख्तर के रोल के लिए
मैं पहले ऋतिक रोशन कर लेते हैं, आई थिंक ऋतिक रोशन वाले रोल के लिए मैं आई विल कास्ट मल्हार पांड्या ओके या एंड संदीप भाई इज हेयर. संदीप भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन. कास्टिंग मैं करता हूँ, आप डायरेक्ट करिए डेफिनेटली ये फिल्म आपके लिए. सो मल्हार हेलो संदीप पांड्या सर, थैंक या सो यू मल्हार फॉर ज्वाइनिंग. पांड्या इंस्टेड ऑफ ऋतिक रोशन ओके एंड आई थिंक अभय देओल आई विल प्ले. ओह दैट्स लवली. ओके आई या सो वाज अभय देओल मैं प्ले कर वेटिंग लेता एक्चुअली कि हूँ. कब ध्वनि अपना खुद का नाम लेगा. आई नहीं, जहां एम मैं हैप्पी. सेट हो सकता हूं मैं वो करूंगा डेफिनेटली. ट्रू ट्रू. सो आई थिंक मल्हार पंड्या, ऋतिक रोशन, ध्वनि गौतम कैन प्ले अभय देओल अभय देओल एंड फरहान एंड अख्तर वाला जो रोल है वो हम करवा सकते हैं मल्हार ठाकर से. ओके सो ओके ये एक बड़ी फिल्म बन जाएगी फिर. थैंक यू सो मच. आज आपका मतलब आपका विजुअलाइजेशन कुछ समझ आया कि आप काफी दूर तक सोच सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली थिंक हु कैन सूट द पर्टिकुलर रोल. अमेजिंग, बहुत मजा आया. बहुत मजा एंड आया. धोनी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एज अ फिल्म मेकर, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं और जिस दिन वो हो जाए आप समझ लेंगे यस मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई. नहीं, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट मैंने बनाया नहीं है मनाली कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं. बिकॉज क्या होता है, द मोमेंट मैं फिनिश करता हूं एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, सेकेंड मोमेंट पे एक और ड्रीम प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है. क्या अभी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है? सो मैं अपनी हर ये फिल्म से सीख प्यास रहा ही हूं. तो है जो जिंदगी जीने का मजा देती है. एग्जैक्टली जैसे रोम कॉम एक टाइम पे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मुझे पहली फिल्म करनी है. आफ्टर दैट अभी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट केसरिया और हीर है, विच आई वॉन्ट टू डू. एंड सो कहानी से प्यार होता है और कहानी से प्यार होता है तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाता है. राइट ट्रू ट्रू. मैं इस फिल्म की कहानी में पड़ जाता हूं. तो केसरे की कहानी से प्यार है, हीर की कहानी से प्यार है. अभी देखो आगे राइट मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ जो जो शायद मैं हिंदी में बनाऊंगा एंड मैं उसके लिए अभी काम कर रहा हूँ. ओके अभी उस फिल्म से मुझे प्यार है, उस फिल्म की कहानी से प्यार है. तो कह सकते हैं कि हाँ वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है. तो जिस फिल्म की स्टोरी से मुझे प्यार हो ध्वनि, जाएगा मैं. आप मैं आपको बताऊंगी. जिस तरह आप मुझे बता रहे हो ना, मुझे इसमें भी लग रहा है जैसे आप कुछ मतलब पोएट्री सुना रहे हो. फिल्म की कहानी से प्यार है, नहीं फिल्म से प्यार है. तो मतलब ये होता है एक क्रिएटिव बंदा कि वो कुछ भी करे उसमें सब कुछ क्रिएटिव ही लगता आई थिंक वो बोलने का है. तरीका भी हो सकता है ओके कि मेरा बोलने का तरीका ऐसा है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं पोइट्री कर रहा हूँ. बट ठीक है, पोइट्री बट वी आर अपने इंजॉइंग लिए. दैट दैट या मेक्स यू आई द ध्वनि गौतम. या जी जी ओके जी सो ध्वनि,